तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली लगाया जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे आपके साथ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ और चीजें भी है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने आपके सामने ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू कराया, बट इसमें कुछ चीजें छूटी हुई है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू। तो ये जो बाहर आपने देखे ये क्या है, ये हमारे मोस्ट यूज्ड कमांड है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे और नए रूल्स के लिए यहाँ पे मोर रूल्स आपको दिख रहा है, इस मोर रूल्स पे जाएंगे तो बाकी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। जैसे कि ग्रेटर देन, बिटवीन, इक्वल टू पूरा आपको दिख रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमने कर दिया। यहाँ पे आप अपनी कंडीशन को डालें और फॉर्मेट में जाके आप अपनी फॉर्मेट को सिलेक्ट करें, जो फॉर्मेट आप यूज करना चाहते हैं उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करें एंड देन ओके कर दें, आपका कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा ग्रेटर देन, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये आप यूज कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट जैसे कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगेन विथ, एंड विथ। अब इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ नेम में है मान लीजिए, अब नेम में हमारे पास कुछ नेम है, नेम, और मुझे यहाँ पे जैसे कि मिस्टर सुजी, मैं अपना नाम लगाता हूँ, मिस्टर रवि, मुझे इसमें से मेल को अलग कलर देना है, फीमेल को अलग कलर देना है। लेकिन यहाँ पे मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, इसके लिए कोई ऐसा सजेशन नहीं किया गया, बट हाँ नाम का अगर मिस्टर के लिए एमआर और मिस के लिए एमआईएस लगाया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे मोर रूल्स पे और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे और यहां हम बिगिन विथ कर देंगे और इसको हम दे देते हैं ग्रीन कलर। और ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं मिसेज को। तो इसमें इस तरह से आप इनिशियल वर्ड की पहला वर्ड इतना होना चाहिए, उस बिहाफ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, और उसी तरह से आप लास्ट में कोई वर्ड आपका मैच कर रहा है तो लास्ट में ही आप कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में एंड विद। और नॉट कंटेनिंग की एक वर्ड उसमें एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए तो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे नॉट कंटेनिंग होगा, ठीक है। दीपक जी, जिन्ना जी एंड क्लियर है सर, जी सर क्लियर। तो इसका यूज हम कर सकते हैं। अब टेक्स्ट में और डेट ऑफरिंग जो अपने बाहर सीखा था वही है, ब्लैंक, ब्लैंक सेल को अलाइट करेगा, नो ब्लैंक्स को, एरर, हाँ एरर का यूज हम लोग करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, एक अपने डेटा में एरर, कुछ एरर देता हूँ, हमारे पास एनए का फॉर्मूला है जो कि एनए का एरर शुरू करता है, बट एरर के बीच बीच में हमारे पास कुछ नंबर्स भी हैं। हालांकि हमें क्या करना है, एरर को हटाना है, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास किस एरर का फॉर्मूला है, बट हम फॉर्मूला से नहीं हटाना चाहते, हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इसमें हम चले जाएंगे मोर रूल्स में, यूज में यहां पे जो आ रहा है आपका सबसे नीचे एरर, एरर में हमको
फॉन्ट पे जाएंगे और इसकी फॉन्ट की जो फॉन्ट कलर है मतलब कि जो टेक्स्ट की कलर है, मैं उसको व्हाइट कर दूंगा, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में व्हाइट है, फोरग्राउंड में व्हाइट हो जाएगा तो व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा ना। सिंपल सी व्हाइट मार्कर पे, व्हाइट मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखने में कुछ पता नहीं चलता, सेम उसी तरीके से भी यहाँ होगा। ठीक है, तो आपने देखा है यहां पे नहीं हुआ, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो मोर रूल्स में आपके सामने यही है। अब हम आइकन्स की बात लास्ट क्लास में किए थे कि आइकन्स का कुछ यूज होता है, तो चलिए आइकन्स का एक और तरीका हम देखते हैं। आइकन्स को कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, और मान लीजिए कि ये स्कोर है। क्या है? स्कोर है। यहां पे स्कोर ये कहता है कि अगर आपका ग्रेटर देन 60 हुआ तो आप पास है, 42-60 के बीच में हुआ तो आप रीटेस्ट हैं, आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा, मतलब एक आप बैठ सकते हैं रीटेस्ट में। आप लेस देन 40 ला रहे हैं तो यू विल बी फेल। अब मुझे ये चीज यहां पे शो करनी है। अब ये चीज यहां पे शो करने के लिए दिक्कत यहां पे है, ये चीज यहां शो करने के लिए दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे इफ फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इफ फॉर्मूला तो हो ही जाएगा, बट इफ फॉर्मूला क्रिटिकल है थोड़ा सा, इससे हम इसका यूज नहीं करना चाहते। तो क्या करें? तो हम यहां पे लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन्स में आते हैं और हम इस वाले आइकन्स को लेते हैं, मतलब जो टिक का निशान हुआ वो पास हुआ, एक्सप्रेशन मार्क जो हुआ फेल हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, और क्रॉस जो है वो फेल हुआ। अब लगाने से अब इसकी कोई गारंटी तो नहीं जो मेरे मेरे डेटा के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, क्योंकि मेरे डेटा में जो कंडीशन लगा हुआ है वो कंडीशन फॉर्मेटिंग को कैसे पता चला? यहाँ ये दिक्कत है ना। यहाँ देखिए 63 को एक्सेल मार दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनेज रूल में जाएंगे। मैनेज रूल में क्यों जाते हैं? किसी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग जो आपने लगाया हुआ है उसको अगर आपको चेक करना है, मतलब कि उसको आपको रीसेट करना है, तो आप जो है मैनेज रूल में आइए, यहां पे डबल क्लिक कीजिए और यहां से आप अपने हिसाब से कंडीशन दे सकते हैं। तो यहां परसेंटेज या परसेंटाइल होता है, उसको नंबर में आप कर दीजिए और यहां पे नंबर दीजिए कि 60 से बड़ा 42-60 के बीच में, बाकी नीचे। अब आइकन भी चेंज कर सकते हो चाहो तो, एंड इसको ओके करता हूं एंड अप्लाई एंड ओके। तो आपके सामने दिख गया सारे चीज। अब मैं यहां पे 3-2-1 लिखता हूं, क्यों? क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए कि कौन किसका है। यहां आइकन सेट लगा देता हूं, मुझे नंबर दिख रहा है, मुझे नंबर नहीं दिखाना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप इस पे जाइए, शो आइकन ओनली, क्या देखेंगे? शो आइकन ओनली एंड अप्लाई, हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो लगाया आइकन्स को हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई मॉडिफाई किया, क्या ये बाकी चीजों पे होता है? जैसे कि मैंने डेटा बार ले लिया और मुझे अपने हिसाब से कलर का रखना है, जी हाँ, आप इस पे भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं मैनेज रूल में। मैनेज रूल में आइए यहां पे, ये देखिए आपके सामने डेटा बार दिख रहा है, मैं इस पे डबल क्लिक किया तो ये देखिए
जैसे सबसे पहले कि मैं सिर्फ बार शो करना चाहता हूँ, फिगर नहीं, तो वो सिलेक्ट कर दिया, ओके एंड अप्लाई। देखिए यहाँ पे फिगर नहीं दिख रहा है। उसके बाद वापस आते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम को ऑटोमेटिक डिफाइन किया गया, और उसके भी कलर जो है अपने हिसाब से दिया गया। तो मैं अगर ऑटोमेटिक को छोड़ के अगर नंबर कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मिनिमम हमारा 10 है और यहाँ पे हम मैक्सिमम कर देते हैं नंबर में 90, और यहाँ पे सॉलिड फिल कलर जो है हमारा हम कर देते हैं रेड, और ग्रेडियंट फिल कर देते हैं हम वाइट। एंड रेड करते हैं ग्रेडियंट फिल को और इसको वाइट करते हैं एंड ओके एंड अप्लाई। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे नंबर्स को भी हटा देता हूँ कि नंबर शो हो अप्लाई, तो आप देखेंगे कि जो 10 से नीचे होगा ना सर, उसके लिए कोई बार बनेगा ही नहीं। जैसे 9 हमने कर दिया तो 9 के लिए कोई बार नहीं बनेगा। समझ में आया आप लोगों को सर? जो 90 से ऊपर होगा उनके लिए। समझ गया सर? सॉरी पानी पी रहा था सर। बार को भी अब कलर को करना चाहे, अब मान लीजिए मुझे इसको इस फॉर्मेटिंग को हटाना है, तो यहाँ आपके पास सामने क्लियर है, क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड या एंटायर, मैंने एंटायर कलेक्ट कर दिया था पूरे शीट का हट जाएगा, सिलेक्टेड में वो सिलेक्टेड शीट का हटेगा। अगर डेट कलर शेड आपने लगाया है तो कलर शेड में भी आप अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ डबल क्लिक कीजिए या लीजिए कि भाई रेड कलर किसके लिए होगा, येलो किसके लिए होगा और हाईएस्ट किसके लिए होगा, आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये तो कोई आइकन्स और कलर्स की बात, अब बात करते हैं कस्टम कंडीशंस की। कस्टम कंडीशंस मतलब कि मैं अपने हिसाब से अपने जगह पे फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं, ठीक है? कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी और इसको आपस में मल्टीप्लाई हो, और उसके रिजल्ट के बिहाफ पे जैसे हमने बोला कि अगर मल्टीप्लाई करने पे, जो हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने पे अगर इसका रिजल्ट 1000 से ऊपर है तो फिर ये पूरी लाइन को हाईलाइट कर दे। तो हम एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान रखिएगा जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे, और मैं न्यू रूल्स में आता हूं, यूज फॉर्मूला, और यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला में कि दैट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी इज ग्रेटर देन 1000। अब यहां पे जो डॉलर का साइन है ना सर, वो हटा दीजिएगा रो का। फिर फॉर्मेट में आते हैं और हम फिल में आके अपनी कलर चूज कर लेते हैं, जो कलर चूज करना है हम चूज कर लेते हैं, दैट ओके। फिर फॉर्मेट पेंटर से लेते हैं और बाकी जितना जहां भी आप करना चाहते हो वहां तक आप पेंट कर दीजिए, आपका कलर हो जाएगा, जो फुलफिल नहीं होगा वहां पे कलर नहीं। अब बात आती है क्या इसके अलावा भी और चीजें भी कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए मैं एक बार पावर पॉइंट यूज करता हूँ, ये देखिए मैंने ये बना रखा है लाइटिंग के लिए,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे मुझे पता नहीं चल रहा है सर। हेलो, नहीं सर आपकी आपकी लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है। अब मेरे पास जो है कुछ डेटा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास है प्रोसेसिंग, आता है यहाँ पे कंप्लीटेड और यहाँ पे पेंडिंग, ये हमारे वर्क का स्टेटस है। और यहाँ पे परसेंटेज शो होता है कि प्रोसेसिंग जो है वो हमारा मान लीजिए 25% चल रहा है, आपका 65% हमारा ये हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है, पेंडिंग 10% है। तो स्टेटस में क्या होगा कि जो हाईएस्ट है उसका कलर शो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो प्रोसेसिंग के लिए हमने येलो कलर दिया हुआ है, कंप्लीटेड के लिए हमने यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है, नहीं कंप्लीटेड के ग्रीन कलर देता हूँ, ग्रीन किया है, यहाँ पे हमने रेड कलर दिया हुआ है। हाँ वैल्यू चेंज होगा तो दीपक जी चेंज हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है सर, आपकी साउंड बड़ी मतलब कि कट कट के आती है सर। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर हाईएस्ट कलर यहाँ पे शो, तो मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में गए और हमने बोला कि यहाँ पे कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट किया कि अगर ये इक्वल टू है मैक्स, हमने मैक्सिमम वैल्यू लिया और इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, सबसे हाईएस्ट वैल्यू के बराबर अगर प्रोसेसिंग है तो यहां पे येलो कलर आ जाएगा। फिर वापस मैं न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, फिर यहां पे वापस मैंने दिया कि अगर कंप्लीटेड इज इक्वल टू मैक्स और हमने ब्रैकेट ओपन किया और इनको सिलेक्ट कर लिया, तो यहां पे कलर आ जाए ग्रीन। और फिर यहां हमने एक और रूल लिया और हमने यहाँ पे यूज फॉर्मूला हमने बोला कि इक्वल, हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ए इक्वल टू है मैक्स और हमने सिलेक्ट किया पूरा अपने डेटा, तो यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया रेड को। अभी जो हमने आया हुआ है इसको यहां पे रखते हैं और इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इतना बड़ा कर देते हैं कि ऐसा दिखे कि इसी का पार्ट है। और इस पे आप सैप पे जाते हैं तो इसका 3D इफेक्ट भी है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट भी आप चाहो तो डाल सकते हो, जैसे कि इस तरह से ये सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं अगर इसको 10% कर देता हूँ, ये अपने आप येल्लो हाईलाइट हो गया। अगर मैं इसको 45% कर देता हूँ तो रेड हो जाएगा। तो इस तरह एक सिग्नल की तरह लग रहा है ना सर। हेलो, यस सर। आ गया। कोई डाउट तो नहीं आपको सर? नहीं तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं अपने ऑफिशियल लाइफ में। तो ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिसका यूज कर सकते हैं, बट हमने अभी फॉर्मूला सीखा नहीं है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग की जो फॉर्मूले वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, और हम जानी हमारी जो फॉर्मूले खत्म होगी तो हम इसको वापस एक बार और करेंगे। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग की एक और क्लास होगी, लेकिन कब, जब हम फॉर्मूला को पढ़ लेंगे तब। ठीक है सर?